तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, तो हम उसको एक एग्जांपल से देखें। अगर किसी भी एक बॉल को या एक स्टोन को हवा में उछाला जाए तो हम देखते हैं कि सबसे पहले वो बॉल ऊपर की ओर जाता है और उसके बाद क्योंकि लगातार उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगता है और यही कारण है कि एक बार वो ऊपर की ओर जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो वापस नीचे लौट जाता है। तो यह जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आएंगे वो होगा पहला टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हुआ कि जिस समय से ऑब्जेक्ट को फेंका गया और उसके बाद वो नीचे जमीन पे वापस आया, यानी जितना देर तक वो ऊपर जमीन के ऊपर वो मूव करते रहा वो टोटल टाइम को हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद आता है रेंज। रेंज का मतलब होता है हॉरिजेंटल डिस्टेंस, यानी जिस स्थान से उसका मोशन स्टार्ट हुआ और जहां पर आकर के एंड हुआ, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस देखते हैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, तो इस हॉरिजेंटल डिस्टेंस को हम लोग रेंज बोलते हैं। इसके बाद आता है मैक्सिमम हाइट, यानी इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो ब्लॉक है वो जमीन से मैक्सिमम इतना ही डिस्टेंस तक मूव किया है, तो ये जो डिस्टेंस हमारा होता है ये हमारा मैक्सिमम हाइट कहते हैं। अब एक चीज इसमें ध्यान ये दो कि फॉर इंटायर प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो एक्सीलरेशन का वैल्यू यहां पे होता है वो जी होता है, बिल्कुल कांस्टेंट होता है और इसका डायरेक्शन हमेशा नीचे की ओर होता है। आप यहां पे इस फोटो से इस चीज को समझ सकते हैं कि देखो ये पूरा जो मोशन यहां पर जो हो रहा है तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और इसमें शुरू में ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से फेंका गया, फिर हम देखते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो लगातार बदल रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो शुरुआत में भी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और मोशन के हरेक पॉइंट पर आप देखिए कि जी का डायरेक्शन नीचे की ओर है। इसका मूल कारण ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगता है, इसलिए जी भी नीचे के ही डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए पूरे मोशन में इसका जो भी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लोगों को इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या दिया हुआ है, हम लोगों को केवल तीन चीज दिया हुआ रहता है, एक इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा थीटा, यानी कि हॉरिजेंटल से कितना एंगल बनाते हुए उसको फेंका गया है, और तीसरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमारे पास तीन चीजें ही यहां पर दी गई है और उसकी सहायता से हमें रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तीनों चीज निकालना होता है। तो अब देखो इसमें काम करने का तरीका ये है कि ये जो यू जो दिया हुआ रहता है, तो क्योंकि ये यू ना तो एक्स एक्सिस में है और ना ही ये यू वाई एक्सिस में यहां पर दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक जो कंपोनेंट आएगा तो इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में चला आएगा, जबकि इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो वाई एक्सिस में चला आएगा। एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा वो यू कॉस थीटा होगा, जबकि वाई का जो कंपोनेंट होगा वो यू साइन थीटा होगा। अब हम लोग एक बार एक्स एक्सिस में काम करेंगे, एक बार वाई एक्सिस में काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पे करते क्या है कि इन सभी चीजों को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग वाई एक्सिस में काम करेंगे, ठीक है। तो वाई एक्सिस में हम लोग सबसे पहले साइन कन्वेंशन को ले लेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारा ऊपर का जो भी डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव माना जाएगा और जो नीचे का डायरेक्शन होगा वो निगेटिव माना जाएगा। तो देखो हमने क्योंकि यू को दो भागों में रिजोल्व किया है, तो यू साइन थीटा अगर देखा जाए तो ऊपर के डायरेक्शन में है, यानी वाई एक्सिस में हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा वो प्लस में होगा,
समझे। लेकिन क्योंकि एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसीलिए एक्सीलरेशन हमारा माइनस डी चला आएगा। और इसके बाद डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो वाई एक्सिस में ऑब्जेक्ट शुरू में भी जमीन पर था और गिरने के बाद भी जमीन पर है ना। यानी कि वाई एक्सिस में इसका कोई ऊंचाई नहीं है इसलिए वाई एक्सिस उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो हम लोग इन सभी का यूज करते हुए टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस का वैल्यू जीरो दिया हुआ है और यू का वैल्यू देखो यहां पे यू साइन थीटा है इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। इस हाफ जी टी स्क्वायर को जो माइनस में है उसको बराबर के इधर ले आओ तो ये प्लस में आ जाएगा और एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा तो इस टी का वैल्यू आ जाएगा क्या टू यू साइन थीटा बाई जी। तो ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। और देखो U, थीटा और G ये तीनों हमारा गिवन क्वांटिटी है इसी में आया। तो इस फॉर्मूला से हम लोग टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं ठीक है। इसके बाद देखो तो अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट के लिए समझे। तो अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट के लिए देखते हैं तो देखो ये वही प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें यू वेलोसिटी से और थीटा एंगल से पार्टिकल को फेंका गया है और इसका रिजोल्यूशन एक यू साइन थीटा और एक यू कॉस थीटा है। नीचे जी का नीचे जी एक्सीलरेशन है और ये हमारा मैक्सिमम हाइट का ये पॉइंट दिया गया है क्योंकि यही वाला मैक्सिमम पॉइंट है। अब एक चीज ध्यान दो कि यू कॉस थीटा एक्स एक्सिस में है ठीक है और एक्स एक्सिस में किसी भी प्रकार का एक्सीलरेशन नहीं है। तो जब एक्स एक्सिस में किसी प्रकार का एक्सीलरेशन नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि एक्स एक्सिस का कंपोनेंट मोशन के किसी भी हिस्से में चेंज या बदली नहीं होगा ठीक है। यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम होगा लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है कि शुरुआत में वेलोसिटी ऊपर की ओर यू साइन थीटा है और एक्सीलरेशन नीचे है। इसके कारण ऊपर का वेलोसिटी कमते कमते वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा ठीक है और यही इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा क्योंकि इसके बाद ये और ऊपर नहीं जा पाएगा। तो अगर हम y एक्सिस में देखें तो u का वैल्यू प्लस u साइन थीटा आ गया है। s हम लोग क्या लेंगे तो क्योंकि यहां से लेके यहीं तक काम करना है तो s हम लोग h ले लेंगे मैक्सिमम हाइट के लिए। और देखो y एक्सिस में भी जो होगा वो जीरो होगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर और y एक्सिस में वेलोसिटी इसका जीरो होगा एक्सीलरेशन माइनस जी होगा क्योंकि ये नीचे के डायरेक्शन में है। तो अगर हम वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस फार्मूला का यूज करें तो भी का वैल्यू जीरो आएगा और यू का वैल्यू ये जो है इसको पुट कर दो पूरा का होल स्क्वायर माइनस टू जी एच और इसमें टू जी एच को बराबर के उस और कर करके इसको सॉल्व कर दो तो एच का वैल्यू आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। तो यहां भी यू थीटा और जी के टर्म में है तो इससे हमारा मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा। और अब हम लोग लास्ट में तो हम लोग यहां पर जब रेंज का कैलकुलेशन करेंगे तो देखो रेंज के लिए हमने यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन को बनाया है और जैसा कि यू वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ा गया है एक्सीलरेशन हमारा जी नीचे की ओर है। तो देखो रेंज जो है ना वो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है तो इसीलिए हम लोगों को पहले से मालूम है कि टाइम पीरियड टू यू साइन थीटा बाय जी निकाला जा चुका है। तो अगर रेंज हमें निकालना है तो रेंज के लिए हमें एक्स एक्सिस में काम करना होगा और देखो एक्स एक्सिस में किसी प्रकार का एक्सीलरेशन नहीं है और जो वेलोसिटी यहां पर है वो यू यू कॉस थीटा के बराबर होगा और टाइम हमें टू यू साइन थीटा बाय जी निकाला हुआ है ठीक है। तो हमें केवल यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एस को हम लोग आर मान लेते हैं रेंज। तो यूजिंग एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स एक्सिस के लिए तो एस के जगह पर आर लिख दो यू के जगह पर यू कॉस थीटा और टी के जगह पर टू यू साइन थीटा बाय जी। और देखो एक्सीलरेशन जीरो होने के चलते ये पूरा जो टर्म है हमारा जीरो हो जाएगा समझे। अब इसमें यू और यू मल्टीप्लाई होकर यू स्क्वायर हो जाएगा और टू साइन थीटा कॉस थीटा को ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि इसका होता है ट्रिगो में फॉर्मूला साइन टू थीटा तो आर बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। यहां भी देखो यहां भी यू थीटा और जी के टर्म में आर आ गया। तो हम लोग पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को इसी तीन फार्मूला का यूज करके बना लेंगे समझ में आया। तो तीन फार्मूला कौन कौन है नोट करें।
तो वो तीनों जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी और आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। यही तीनों हमारा फॉर्मूला होगा। देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आया कि कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में आप अगर काम करते हो, सिचुएशन चाहे जो दिया हुआ समझें, जस्ट लाइक मान लो एक अलग से सिचुएशन हम यहाँ पे दे रहे हैं इस तरीका से कि देखो ये एक बिल्डिंग है ना, और इस बिल्डिंग से ब्लॉक को ऐसे फेंक दिया गया, तो तब आप लोग कैसे बनाएंगे इसको? फार्मूला तो इसमें लागू होगा नहीं ना लागू होगा है? क्योंकि फार्मूला तो लिया गया है कि पार्टिकल को जमीन पर फेंका गया है ना। तो इसमें आप लोग ये करेंगे कि यहां पर भी आप लोग इसी तरीका से पूरे मोशन को आप दो एक्सिस में बांट लेंगे, एक्स और वाई एक्सिस में समझें, और जैसे फार्मूला को डिराइव किया गया वैसे ही न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बनेगा, ठीक है? तो बस इतना ही, और जब न्यूमेरिकल में दिक्कत होगा तो उसका भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। ओके ठीक है।